जेल में जन्म हो जाए कोई बात नहीं, अपनी मैया छोड़ के यशोदा के पास आ जाएं कोई बात नहीं, वो छोड़ के फिर मथुरा चले जाएं कोई बात नहीं, प्रवर्सन पर्वत पर चले जाएं कोई बात नहीं, रातों रात द्वारिका में समुद्र के बीच में रहना पड़े कोई बात नहीं, अपने ही घर परिवार में विवाद हो जाए लोग दूसरे रास्ते पे चलने लगे कोई बात नहीं, भैया महाभारत का युद्ध हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो पूरा ही समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण को मान रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो द्वारिका के राज प्रासाद के प्रांगण के श्री कृष्ण को मान रहे हैं। 16108 कोई कह रहे हैं हमारे यहाँ का, कोई कह रहा हम केवल गीता मानते हैं, आधा अधूरा मानने से काम नहीं चलेगा। हम आप सामने बैठे हैं, हम कहें आपका मुंह बहुत बढ़िया है पर टांग अच्छा नहीं, हम काट देंगे, तो आप बोलोगे तुमसे पहले तुमको हम काट देंगे बाबा यहीं पर। बोला आपका मुंह तो बहुत बढ़िया है पर आपकी नाक अच्छी नहीं, हम नाक काटेंगे आपका। बोला हम तुम्हारा मुंह थूर देंगे, हमको तुम पहचानते नहीं हो। आप देखते नहीं आज रामचरितमानस भागवत इत्यादि पर हमला करने वाले लोग क्या कहते हैं, रामचरितमानस तो ठीक है लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, तो हम भी कह देते हैं कि तुम्हारे भीतर भी हमको सब कुछ अच्छा लगता है, बस तुम्हारी नाक अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे कान अच्छे नहीं लगते, क्या तुम अपना कान हमें दे दोगे? तुम कहते हो शास्त्र से इस बात को निकाल दो। अरे शास्त्र जब तुम मान रहे हो कि शास्त्र उस समय में उस अवस्था में लिखा गया, उसकी कूट भाषा को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है क्योंकि तुम अंग्रेजों की औलादें बन गए हो, कहीं संस्कृत नहीं पढ़ सकते। हमारे संस्कृत के ग्रंथों में विलियम्स ने करोड़ों करोड़ डॉलर दे करके कई श्लोकों को बदलवा दिया था उस समय में। आइए बैठ करके इस पर चिंतन करें। अरे हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हम समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। शास्त्र तो शास्त्र है, स्वाति नक्षत्र के बूंद की तरह है, जब चकवा के मुंह में पड़े तो प्राण मिल जाते हैं, सीप में पड़े तो मोती बन जाती है, दूरवा पर पड़े तो ओस बन जाते हैं, और सांप के मुंह में पड़े तो विष पड़ जाते हैं। कमी शास्त्र की नहीं, हो सकता सांप तुम बन गए होगे, तुम्हारे मुंह में आने के बाद वो विष बन जा रहा हो। इस बात का जवाब कौन देगा? कोई जाकिर नायक खड़ा होता है हनुमान जी की मूर्ति और भगवान बलराम और कृष्ण की मूर्ति लेके हथौड़ियों से तोड़ देता है और पूछता है तुम्हारे बच्चों से, जब तुम्हारा भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो ये तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? वो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं का नर्सरी में छोटे छोटे, उनके मन में ये भर जाता है, मम्मा हनुमान जी बलवान थे, हाँ बल हथौड़ी से तोड़ दिया उसने और कहा जब तुम्हारे हनुमान तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? इसका जवाब देने तुम नहीं आते कोई? मैं भारतवर्ष के विद्वानों को भी कहता हूं और भारतवर्ष में गिने चुने सनातन संस्कृति को बदलने वाले लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए। आपस में टिका टिप्पणी और आक्षेप छोड़िए, विद्वता दिखाना छोड़िए, ये विद्वता काम नहीं आएगी। ये विद्वता आपके सोमनाथ में काम नहीं आई थी, जब केशव देव का मंदिर टूट रहा था तो काम नहीं आया था, जब जगह जगह सब कुछ टूट रहे थे तो आपकी विद्वता काम नहीं आई थी। ये विद्वता आपस में आक्षेप करने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत है भारत के सनातन संस्कृति के वो 100 करोड़ से ज्यादा लोग और दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को एक होकर के वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया के लिए काम करने की जरूरत है। आपस में लड़ने का समय नहीं है, विद्वता दिखाने का समय नहीं है। ये बाबा को बोलने नहीं आता, इसको श्लोक बोलने नहीं आया, ये कैसे यहां बैठ गया, वो कैसे वहां चला गया, ये माला ऐसा क्यों पहनता है, इसकी जटा असली है कि नकली है, ये जान के क्या करोगे? क्या करोगे? गोली आएगी तो इस जटा पे आएगी, आएगी तो तुम्हारी खोपड़ी पे आएगी। क्या करोगे ये जानकर जटा असली है या नकली है? क्या करोगे ये जानकर कि वस्त्र कैसे? भारतीय सनातन संस्कृति के वस्त्र पहनने वाले लोग नहीं है अब, कोई तुम्हारी बातों को सुनता नहीं। आपके घरों में आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके घरों में लोग जींस पहन के घूम रहे हैं, आपके घरों में आपकी इच्छा के बगैर शादियां हो रही हैं, आपके घरों में आपके इच्छा के बगैर लोग पढ़ाइयां कर रहे हैं, अपने घर में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आक्षेप दूसरों पर कर रहे हैं। ये लड़ने का समय नहीं है, यह आपस में उलझने का समय नहीं है। भारत मां का कोई भी बेटा अगर निकलकर सनातन की बात करे, संस्कृति की बात करे,
अच्छी बात करे, शिक्षा परिवर्तन की बात करे, मौलिकता की बात करे, तो खुलकर समर्थन करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, सही में हम नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, पर ऐसा होना चाहिए। हम तो न करते हैं न करने देंगे, विद्वता दिखाएंगे बिना मतलब। क्या विद्वता है, कुछ समझ नहीं आता। अरे आपके भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि सभी संस्कृत पढ़ सके। अगर संस्कृत अनिवार्य होता तो सब पढ़ रहे होते, संस्कृत को हटा दिया गया। हमें याद है जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे तब तक अनिवार्य संस्कृत था और सब निष्णात विद्वान होते थे, धीरे से उसको साइड, फिर और साइड, फिर और साइड, फिर तो मध्यमा मध्यमा। हमारे एक, अब क्या बताऊं, हमारा एक मामा था, हम अच्छे स्टूडेंट थे, तो हाई स्कूल में हमने उस समय में 65% हमारा मार्क्स आया। हमारा मामा जो इतना बोतलानंद गिरधारी था, कुछ नहीं आता था, जीरो भी नहीं आता था, उसको मध्यमा पढ़वाया गया और उसके नंबर 800 आए। तो ये तो संस्कृत की हालत कर दी थी लोगों ने, जिसको सिद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, क्या कर रहे हैं ऐसे बोलता था, उसका 800 नंबर और हम दिन रात पढ़ करके 628 नंबर। बताओ फिर तुम्हारे संस्कृत को ऐसे मसला गया, पैसों की विद्या बना दी गई, डिग्रियां बेच दी गई, मध्यमा और शास्त्री ऐसी पास करवा दिए गए। वो नहीं चाहते थे कि वास्तव में संस्कृत का विद्वान कोई यहां पैदा हो, क्योंकि भारत जैसे ही संस्कृत और संस्कृति से जुड़ेगा तो भारत किसी जर्मनी और अमेरिका को अपनी तरफ देखने नहीं देगा।